प्रीमिक्स लिया है, हाफ के जी का बना रहे हम। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे, बैटर बना लेंगे। ऐसे मिक्स करिए कि कोई लम्स ना रहे इसके अंदर। थोड़ा सा पानी और जाएगा इसमें। पानी का अंदाज अगर आपको ना भी मिले तो इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब हम ऑयल डाल लेंगे। वन एंड हाफ टेबल स्पून, यानी कि डेढ़ टेबल स्पून हमने यहाँ पर ऑयल यूज किया है। अब हम इसे करेंगे इसको। अभी केक का बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। टिन को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बटर पेपर रख देंगे। अब बटर पेपर पे भी हल्का सा ऑयल लगा देंगे। अभी टिन बिल्कुल रेडी है। बैटर को हम टिन में डाल देंगे। अब हम इसको तीन चार बार टैप कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसे प्री हीटेड ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। टाइमर लगाकर 25 मिनट्स का टाइमर लगा देंगे हम। देखिए टाइम हमारा खत्म होने वाला है, केक भी हमारा बेक हो रहा है। नीचे हमने मफिन्स बनाने के लिए रख दिया था एक्स्ट्रा बच्चों के लिए, जो कि जगह थी इसमें, तो हमने वो भी रेडी कर लिया है। अभी हो गया है, देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसका। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। हो गया है,
हम इसको साइड से ऐसे निकाल के हल्के हाथ से बस इसको पलट देंगे। ये देखिए बटर पेपर को भी हम निकाल देंगे, कितनी इजीली निकल गया, ये कितना सॉफ्ट हुआ है ये। अब इसको रख देंगे और ठंडा होने के लिए। अभी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, इसको हम कट कर लेंगे। हमने कट कर लिए है तीन लेयर इसकी। अब हम क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। क्रीम को हम व्हिप कर लेंगे। 1.5 कप क्रीम आधा किलो केक के लिए लगती है। व्हिप हो चुकी है। यहाँ पर हमारे पास व्हाइट कंपाउंड है, इसको हमें ग्रेट करना है। और यहाँ पे व्हाइट चोको चिप्स है, इसका भी हम यूज करेंगे। तो इसको हम कट करके निकाल लेते हैं। या तो हम इससे भी ग्रेट कर सकते हैं, हम आपको बता रहे हैं, या आप चाहें तो इस तरह से इसे भी ग्रेट कर सकते हैं इसको आप। ये देखिए हमने ग्रेट कर लिया है। जैसे जरूरत होगी हमको, अगर और जरूरत होगी तो हम बाद में और कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पे कंडेंस मिल्क है और शुगर सिरप की जगह हम इसको यूज करने वाले हैं। अब क्रीम हम डाल लेते हैं पैकिंग बैग में। देखिए पैकिंग बैग में हमने डाल लिया है, कट कर लेंगे इसे। कंडेंस मिल्क हम लगा लेंगे। ये होममेड कंडेंस मिल्क है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगी। इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है। क्रीम लगा लेंगे। हल्के हाथ से इसको स्प्रेड कर लेंगे। नाइफ को हमें क्लीन कर लेना है। अब हम इसमें सबसे पहले व्हाइट चोको चिप्स है हमारे पास, वो डाल लेंगे। इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। और ये चॉकलेट है हमारे पास जो ग्रेट करके रखा था, वो डाल देंगे।
दूसरा बेस हम रख देंगे इसी तरह से। साइड से हल्के हल्के हाथ से हमें चॉकलेट को लगाना है, ज्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है, हल्के हल्के हाथ से ही लगाएंगे हम। अब हमें थोड़ी सी डिजाइन करना है बॉर्डर के लिए, तो हम पाइपिंग बैग में नोजल डाल देंगे। इस तरह से और कट करना होगा हमें। ये देखिए क्रीम ले लेंगे इसमें। देखिए इस तरह से हम डिजाइन निकाल लेंगे बॉर्डर। जो खुली जगह है हल्के हाथ से हम चॉकलेट डालेंगे।
ये देखिए हमारा व्हाइट फॉरेस्ट केक बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये केक की रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में भी मुझे बताइएगा कि आपको हमारे इस केक की रेसिपी कैसी लगी है और आप चाहते हैं कि मैं कोई और केक किसी और फ्लेवर का केक आपके साथ शेयर करूं तो वो भी आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए, मैं जरूर वो बनाने की कोशिश करूंगी। अब हम केक आपको कट करके बताने वाले हैं। ये देखिए सो बाय फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।